हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऊपर। मैच 46 खेला गया शारजा में बिटवीन किंग्स इलेवन पंजाब एंड केकेआर। ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग मैच था और इन दी एंड किंग्स इलेवन पंजाब ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया। पहले मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूं कि केकेआर ने कहां कहां गलतियां की। किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीता और केकेआर से पहले बैटिंग करवाई। केकेआर ने अपने 20 ओवरों बनाए 149 रन 9 विकेटों के नुकसान पर, काफी मीडियोकर सी बैटिंग की। मॉर्गन ने 40 रन बनाए और गिल ने 57 रन की इनिंग्स खेली, काफी अच्छी बॉलिंग करी। शमी को 3 विकेटें मिली और रवि बिश्नोई को 2 विकेटें मिली। और जब पंजाब की बैटिंग गई, पंजाब ने ये टारगेट बहुत आसानी से चेस कर लिया। पंजाब ने 18.5 ओवरों में टारगेट चेस कर लिया। पंजाब ने बनाए 150 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्रिस गेल ने 51 रन बनाए और साथ साथ मनदीप सिंह ने 66 रन बनाए और काफी एवरेज सी बॉलिंग करवाई। लवी फर्गसन को 1 विकेट मिली और वरन को 1 विकेट मिली और इन दी एंड पंजाब ने मैच 8 विकेटों से जीत लिया। और क्रिस गेल की अमेजिंग परफॉर्मेंस की वजह से क्रिस गेल को मैन ऑफ द मैच मिला। और किंग्स इलेवन पंजाब की परफॉर्मेंस काफी ही अच्छी है, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब के अब 12 पॉइंट्स हो गए हैं और किंग्स इलेवन पंजाब जो है अब प्ले ऑफ की दौड़ में भी आ गई है। और केकेआर की मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि केकेआर अपने पिछले तीनों मैचों में काफी ही बुरा परफॉर्म कर रहा है और केकेआर जो है अब 6. से 7. नंबर पर होंगे। और मोस्ट प्रॉब्लम भी अगर केकेआर ने अगले मैच में कम बैक ना किया तो केकेआर भी प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और साथ साथ एक दो टीम्स और भी उनके पास भी चांस है। लेकिन अगर केकेआर ने इसी तरह परफॉर्म किया तो केकेआर आईपीएल 2020 में प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस की किंग्स इलेवन पंजाब ने, स्पेशली उनके फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने एक्यूरेट लाइन टू लाइन बॉलिंग करी, जिसकी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब ये मैच जीत गया। और क्रिस गेल और मनदीप सिंह की बैटिंग की वजह से क्रिस गेल ये टारगेट किंग्स इलेवन पंजाब ने 8 विकेटों पर ही चेस कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।